तो ये है दिव्यम की पोकीमोन की टी शर्ट फाइनली, इसके साथ का शॉट्स क्यूट है लेकिन। फोन को एडजस्ट किया क्योंकि इधर से अगर मैं फोन रख रही थी तो वहां पे लाइट अच्छी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे फिर भी बेटर आ रही है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेट किया है। तो मैं ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये मैं इसमें रिटर्न गिफ्ट्स को पैक करूंगी। और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई, रिटर्न गिफ्ट्स बच्चों के अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं, तो मैंने वैसे लिए हैं। एक तो मैंने ये लिया है कंटेनर, मैंने देखा इसमें बच्चे अपने टॉयज रखते हैं, ये बहुत अच्छा था, मैं मॉल से लेकर आई थी ये वाला, के मॉल से। इसके अंदर मैं कुछ कुछ ऐसे छोटा छोटा रख के दूंगी, तो मैंने ऐसे लिया है। और मैंने कुछ चीजें खुदवत से, कुछ चीज मॉल से, और कोई चीज हेमा से, मैंने बस इन तीन जगह से ही खरीदा है। तो ये जैसे बलून हो गई, मतलब इसको खाली नहीं दूंगी, इसके अंदर भी मैं रख के दूंगी। जैसे एक ये रिटर्न गिफ्ट हो गया, ये बॉक्स बन जाता है, ये भी मतलब बहुत माइंड लगाना पड़ता है बच्चों के अकॉर्डिंग। जैसे तो जैसे दो बच्चे बड़े थे, तो उन बड़े बच्चों के लिए मैंने ये अच्छी सी स्टील की बॉटल ले ली थी। और अब जैसे जिन लेडीज के बच्चे नहीं हैं अभी, तो उनके लिए मैंने ऐसे क्यूट सा बैग ले लिया है, इसके अंदर स्लिंग भी है अंदर, तो ये स्लिंग बैग है। और इसके साथ मैं ये दूंगी, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी क्यूट 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 चीजें। और मुझे ये बड़ी अच्छी मिली थी प्लेट्स, ये मैं दूंगी इसमें केक रख के बच्चों को, ये इसमें मैं केक खिलाऊंगी बच्चों को। और जैसे ये है नेल रिमूवर, ओ दिव्या ये रख देना पेपर आराम से रखना बट ऐसे। और हाँ मैंने और क्या किया है, और मैंने बच्चों को क्या करना है, जैसे सब बच्चे गेम्स खेलेंगे, तो मैंने गर्ल्स के लिए तो ये लिए हैं बड़े क्यूट क्यूट से पर्सेस, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। तो चलो भैया इन सब पैक करते हैं, पैक करने के बाद मिलूंगी क्योंकि अभी बहुत मैस हो रहा है, मुझे ऊपर उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। बर्थडे कैप्स प्लीज अब दूर आराम से, तो पहले मैं पैक करती हूँ उसके बाद मिलते हैं, ठीक है मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अभी। और हाँ मैं आपको पैकिंग पेपर दिखा देती हूँ, ये मैं पैकिंग पेपर लाई थी एक्शन से, तो ब्लू फॉर बॉयज एंड पिंक फॉर गर्ल्स, तो मैंने ऐसे पैक करने का सोचा है। तो मैं ऐसे बहुत सारे पैकिंग पेपर लेकर आई हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स हैं। और ये मुझे कैप बहुत अच्छी लगी, ये हेमा में आई हुई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये तो उसके तरह लग रही है। मैं ऐसे मतलब मैं गेम्स भी रखूंगी, तो गेम्स के लिए भी गिफ्ट्स हैं, रिटर्न गिफ्ट्स भी हैं, गेम्स के लिए भी हैं बहुत सारे। और ये मुझे पर्सेस छोटे बच्चों के लिए बहुत ही क्यूट लगे थे, बहुत ही क्यूट गर्ल्स के लिए। चलो भाई पैक करते हैं रिटर्न गिफ्ट्स, उसके बाद मिलते हैं हम। ओहो हो धूप देखो, वाह 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 वाह, क्या बेहतरीन बेहतरीन धूप। इस बार मेरा गला ही ठीक नहीं हुआ है पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरी स्किन ग्लो कर रही है, ग्लो। वो ग्लो का भी राज बताऊंगी, दैट व्हाट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग, ये वाला नहीं ट्रांसपेरेंट टेप, वो व्हाइट वाला बाथरूम में है वो ट्रांसपेरेंट। सो आई विल टेल यू व्हाट आई एम यूजिंग, क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ही खराब है, टचवुड मतलब टचवुड ही सच में बहुत खराब है, और मुझे मेकअप करने का शौक बहुत है। वैसे मैंने देखा है भगवान क्या करता है ना, जिसको जो चीज़ का शौक होता है ना उसको वो चीज़ तो कभी देता ही नहीं। जैसे मुझे मेकअप करने का शौक है तो स्किन अच्छी नहीं थी, तो थैंक यू सो मच। तो मैंने ये सीजर फ्रॉम द किचन, तो मैंने टेप मंगा लिया दिव्यम से, दिव्यम मेरी बहुत हेल्प करता है नो डाउट। तो भाई मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, अगर मुझे भी फ़र्क लगता है तो आई विल ऑल्सो शेयर माई स्किन केयर रूटीन, कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और मैं क्या क्या अप्लाई कर रही हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे में बहुत सारा कुछ नहीं अप्लाई कर रही, अच्छे से रिकमेंड किया था मुझे, बट मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्ट्स रियली में गुड है, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी अपनी स्किन ऐसी देखी ही नहीं है। चलो भैया लाइफ स्किन स्किन छोड़ो, लेकिन मैं रिटर्न गिफ्ट्स पैक करूंगी अब। ये देखो अब नॉट दिस वन, ऊपर ही ब्लैक कलर की रखी, ये तो खराब है, चल भी नहीं रही है। तो चलो भाई पहले मैं सारे रिटर्न गिफ्ट्स पैक कर लेती हूँ, अब बहुत मजा आता है, बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है रिटर्न गिफ्ट्स का, कि अरे वाह ये देखो कितने, मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है यार हर एज के अकॉर्डिंग, कि
क्या चलेगा क्या नहीं। तो रिटर्न गिफ्ट्स फर्स्ट पैक करते हैं, जब सारे पैक हो जाएंगे उसके बाद में दिखाती हूँ। एक बार और देख लो आप सारे रिटर्न गिफ्ट्स आराम से। दिव्यम तो मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर। और ये बहुत बड़ा व्लॉग होगा क्योंकि मैं सब दिखाऊंगी इसमें रिटर्न गिफ्ट्स क्या क्या लिए, मैंने दिखा दिए उसके बाद जब बर्थडे होगा तब सारा दिखाएंगे कैसे प्रिपरेशन की। जितना वीडियो बन सकती है उतना बनाऊंगी, बट सीरियसली बता रही हूँ बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, इसलिए प्रेस करो उन लोगों को जो लोग वीडियो बनाते हैं और डालते हैं क्योंकि एडिट करना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। चलो भाई ठीक है, अब मैं पैक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा है। आज है डेट 5, टुडे इज 5th जुलाई। दिव्यम का बर्थडे है 7 जुलाई, बट वी विल सेलिब्रेट ऑन 9th जुलाई क्योंकि उस दिन वीकेंड है, तो ये हेल्प कर देंगे। ओके बाय बाय। और ये है भैया मेरा लिस्ट, डेली डेली मेरी लिस्ट चेंज होती रहती है, बहुत दिमाग में तो तीन तीन रात के तीन तीन चार चार बजे मुझे नींद नहीं आती दिव्यम के बर्थडे की वजह से, सारा काम खुद करना पड़ता है भाग भाग के पैदल। तो ये मैंने ऐसे फूड मेन्यू बना रखा है, फिर जो जो सामान मुझे जो जो स्टोर से लाना है उन स्टोर के नाम लिख के रखती हूँ मैं। और ये देखो फूड मेन्यू कितनी बार चेंज हुआ है, जो जो सामान मेरे को लगता है जो जो लाना है वो मैं लिखती रहती हूँ, कट करती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ, कट करती रहती हूँ। और ये बच्चों की लिस्ट बनाई है मैंने, लिखा है ना बर्थडे चिल्ड्रन लिस्ट, तो ये मैंने बच्चों की लिस्ट बनाई है। टिक इसलिए करा था कि इन सब बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स मैंने अरेंज कर लिए थे। तो भैया मैं ऐसी पेजेस भरती रहती हूँ क्या क्या मटेरियल मुझे लाना है, माय गॉड क्या क्या गेम्स मैंने बनाने हैं, सब कुछ मैं पहले से लिख कर रखती हूँ, वरना अगर ना लिखो तो कुछ भी नहीं होने वाला यार। तो ये छोटा सा पार्ट है मेरी और प्रिपरेशन का। चलो मैं गिफ्ट्स पैक कर लेती हूँ। गिफ्ट्स आर ऑल्सो वेटिंग फॉर मी 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 मी। ये देखो सारे गिफ्ट्स हैं और सारे रिटर्न गिफ्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, सब ऑल डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न गिफ्ट्स, क्योंकि बच्चे डिफरेंट एज ग्रुप के हैं इसलिए सोचना पड़ता है सबके लिए अलग अलग। चलो लेट्स पैक। अच्छा वो मैं बहुत सारे टेप खरीद के लिए आई थी सीरियसली, क्योंकि दिव्यम ने मेरी सारी टेप फिनिश कर दी थी, सारी पेंटिंग बनाता था वो, यू रिमेम्बर दिव्यम? हाँ, उसके साथ में पेंटिंग बनाता था। और मुझे भाई गिफ्ट्स को अच्छे से सिक्योर करना बड़ा मजा आता है, बहुत सारी टेप लगाना। तो ये हो गई मेरी बॉटल पैक, और ये पैकिंग पेपर इतना सुंदर लग रहा है ना मुझे, आई एम लविंग इट, लुक्स सो क्यूट। तो ऐसे ही सारे पैकिंग पेपर पैक करके दिखाती हूँ, मुझे लगता है आई थिंक सो 3-3.5 घंटे तो लगेंगे क्योंकि देयर आर आई थिंक 19 रिटर्न गिफ्ट्स है, क्योंकि 18-19 बच्चे हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं सबकी वीडियो नहीं बना सकती, वरना वीडियो दिव्यम का जो बर्थडे व्लॉग है बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको एक दिखा दिया, कितना प्यारा लग रहा है पैकिंग पेपर। चलो मिलती हूँ मैं जब सारे गिफ्ट्स कंप्लीट कर लूँगी। तो ये इतने सारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अभी गिफ्ट्स पैक हो गए हैं और अभी भी गो ऑन, अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है।
फाइनली गिफ्ट्स पैक हो गए हैं और मुझे मेरे ख्याल से 10 बज गए थे रात के। बीच में खाना बनाने के लिए उठी थी थोड़े से काम करने के लिए, वरना मैं लगातार बैठी रही। अकेले बैठ के मैंने गिफ्ट्स पैक करे हैं ऑल अलोन। मुझे ज़्यादातर काम अकेले करना पसंद है, जितना मुझसे हो सकता है मैं अकेले ही कोशिश करती हूँ, जिससे कि दूसरों को भी डिस्टर्ब ज़्यादा ना हो। तो बहुत टाइम लगा लेकिन गिफ्ट्स को पैक करने में, भाई जो करता है उसे पता होता है। हो गए फाइनली सारे गिफ्ट्स पैक। थक गई थी बहुत बुरी तरीके से मैं अकेले पैक कर करके। तो पिंक वाले सारे गर्ल्स के हैं और ब्लू वाले सारे मैंने बॉयज़ के किए हैं। ये सारे गेम्स के गिफ्ट्स हैं सारे, और ये सारे रिटर्न गिफ्ट्स हैं। अभी मैं इन पर नेम स्लिप भी लगाऊंगी कौन सा गिफ्ट किसका है, उस पर पोकेमोन की बॉल बनाऊंगी। और ये जो टेबल पे रखा है वो सारा बर्थडे के डेकोरेशन का सामान है, सारा सारा बर्थडे के डेकोरेशन का सामान उसको मैंने अलग रखा है। ये सारे रिटर्न गिफ्ट्स हैं। चलो भाई बाय, अब हम सोने चलते हैं। ये देखो भैया कितना दिमाग मारा मैंने, कहा बैकड्रॉप कैसे बनाऊँ बैकड्रॉप कैसे बनाऊँ। हालांकि सिर्फ घर में ही बर्थडे कर रही थी मैं, तभी मैंने माइंड लगाया। दिव्य बोलने लगा पिका इतना जंगल में रहता है, तो मैंने कहा चलो भाई बैकग्राउंड को जंगल वाली थीम देती हूँ। तो मैं एक्शन गई थी और एक्शन से मैं ये लेकर आई मैट। दिस इज़ अ मैट, आर्टिफिशियल ग्रास मैट है ये। ये हमने वॉल पे लगाई और ये बहुत बड़ी मैट थी, और ये मेरे ख्याल से 15 यूरो की थी, 15 यूरोज़ की ये मैट थी। तो ये मैंने वॉल पे लगाई थी, और जिस दिन मैंने लगाई थी उस दिन हर कोई कह रहा था अरे तू किसी रेस्टोरेंट में बैठी है क्या, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का लुक इतना सुंदर आता है। और सबसे बेस्ट पार्ट है बर्थडे के बाद भी इसे यूज़ कर सकते हो, हमने आज भी नहीं हटाया है इसको, बर्थडे के बाद भी नहीं हटाया है, क्योंकि ये लुक इतना सुंदर दे रहा है कि आप यहाँ पे खड़े होकर अपने फ़ोटोज़ क्लिक कराओ, उसका बैकग्राउंड बहुत ही सुंदर लगता है। तो एज़ अ मैट ना यूज़ करके मैंने इसे एज अ वॉल पेपर यूज़ कर लिया एज अ बैकड्रॉप, और हमने इसे छोटी छोटी सी कील से इसे हमने अटैच किया था, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था नो डाउट। पता नहीं कैसे माइंड चला अचानक से, मुझे ना इन सब चीज़ों को क्रिएटिविटी करने में मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। उजड़ा कर रही है नीचे से, देख देख नीचे, छोड़ से छोड़ नीचे से देख, अब तू जानता है। देखो भाई इन बैग्स में, ये वाले मैं बैग्स लेके आई हूँ, और ये बैग्स मुझे बहुत सुंदर लगे, ये पार्टी बैग्स हैं, और ये तो इतने सुंदर लगे पूछो मत यार, पूछो ही मत। मतलब तो मैं 3 बार गिफ्ट दूंगी बच्चों को, 3 times आई विल गिव 3 times। एक ये होगा वेलकम गिफ्ट, इसके अंदर सारी ये कैंडीज जाएंगी, इतनी सॉरी कैंडीज जाएंगी। सेकेंड टाइम में मैं दूंगी ये छोटे वाले गिफ्ट्स जब बच्चे गेम खेलेंगे, क्योंकि भाई 1-2 बच्चा जीता है लेकिन देना सबको होता है, इसलिए ये इसमें छोटे छोटे पर्स हैं बहुत सुंदर। और ये बॉयज़ के अलग हैं, तो ब्लू बॉयज़ के, पिंक गर्ल्स के हैं। सेकेंड टाइम का गिफ्ट ये हो गया, थर्ड टाइम का तो तुम्हें पता ही है ये सारे बड़े बड़े रिटर्न गिफ्ट्स, तो आई विल गिव 3 times, जिससे को बच्चे को मज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे 3 बार गिफ्ट मिले। और ये बैग्स मुझे बहुत सुंदर लगा, ये मैं अपने टेबल पर डेकोरेट भी करूँगी, अब इन सब चीज़ों में ये डालती हूँ मैं। चलो तो मैंने सोचा था ये ब्लू दे देंगे हम बॉयज को एंड पिंक फॉर गर्ल्स, एंड येलो तो मैंने इसलिए लिया था पिकाचू का थीम था, ये भी देख लेते हैं, बट बहुत सुंदर है। चलो भाई लेट्स ओपन द पैक्स, गिफ्ट बैग्स अभी बहुत अच्छे थे, ओनली 50 सेंट, दिख भी रहा है सबको, क्योंकि इट्स वेरी नाइस फ्रेंडली बजट।
तो ये इन वाले बैग्स में वेलकम गिफ्ट, जैसे बच्चे आएंगे आते ही उनके हाथ में भी तो कुछ गिफ्ट होना चाहिए ना छोटा मोटा, तो उसके लिए पी पी बी मी इतनी सारी चॉकलेट्स, और ये देखो कैंडीज, फ्रूटेला, मिंटोज। सेकेंड टाइम में जब बच्चे गेम खेलेंगे तो उसके बाद ये गेम्स है, फिर रिटर्न गिफ्ट तो है ही, तो थ्री गिफ्ट देंगे हम ऐसे। वी विल गिव थ्री गिफ्ट्स। ये तो रह गया ओपन करने से, ये बंद हो जाना। ब्लोअर्स, दिस इज कॉल्ड ब्लोअर्स। दिव्या देखो, दिव्या मेरी किस चीज में हेल्प करता है, दिव्या मेरी चीज में हेल्प करता है जब मैं पैक कर रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, तो दिव्या हम सारा गार्बेज क्रश करके थ्रो करके आता है। ये हो गए हमारे बैग्स रेडी, वेलकम गिफ्ट बैग्स, बेहतरीन लग रहे हैं, बेहतरीन। ये हो गए भैया रिटर्न गिफ्ट्स, कितने प्यारे लग रहे हैं, देख लो सब रिटर्न गिफ्ट्स। और रिटर्न गिफ्ट्स पे मैंने ऐसे नेम स्लिप लगाई है और ऐसे लिखा है उस पे, ऐसे पिकाचू की बॉल बनाई है मैंने सब पे, लगना चाहिए ना थीम है भैया, तो ऐसे किया है सब पे।